नमस्कार दोस्तों। तो चलिए, हम लोग बात कर रहे थे एनसीईआरटी बुक्स के बारे में। तो याद रखिए, अगर आप सिविल सर्विस या किसी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए एनसीईआरटी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, फिर कह सकते हैं कि अगर ये स्टेट पीसीएस हो सकता है निकल जाए बिना एनसीईआरटी पढ़े, लेकिन सिविल सर्विस इसमें कोई समझौता ना करें, वो पहले ही पढ़ लें। ठीक है, तो आपके लिए बहुत बेहतर भी रहेगा। तो कक्षा 6वीं की हम लोग सभी बुक्स देख चुके हैं, कक्षा 7वीं की और कक्षा 8वीं की हम लोग 3 बुक्स देख चुके हैं। तो सबके बारे में हम लोग बता देते हैं कि कौन कौन सी बुक्स पढ़ी थी। तो कक्षा 6वीं में हम लोगों ने बात की थी सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन भाग 1 के बारे में। फिर कक्षा 6वीं की दूसरी एनसीईआरटी की बुक्स थी आपका हमारा अतीत के नाम से, हमारा अतीत फर्स्ट के नाम से जो आपकी बुक्स है उसे। तीसरी कक्षा 6वीं की बुक्स थी आपकी पृथ्वी हमारा आवास। कक्षा 6वीं की चौथी बुक थी आपकी विज्ञान। और सिविल सर्विस के लिए 4 ही बुक्स पढ़नी है आपको कक्षा 6वीं की। फिर पहुंचते हैं हम लोग कक्षा 7वीं में। तो कक्षा 7वीं में भी हमें 4 बुक्स हमारे लिए जरूरी है। कौन कौन सी? सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन भाग 2, हमारा अतीत 2, हमारा पर्यावरण और विज्ञान। ये 4 बुक्स आपकी कक्षा 7वीं की हो गई। कक्षा 8वीं की बात करें तो हम लोग इसमें भी हमें 4 ही बुक्स पढ़नी है। पहली थी आपकी सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन भाग 3, दूसरी थी हमारा अतीत भाग 3, तीसरी थी संसाधन और विकास। और ये बुक है आपकी जो हम पढ़ने जा रहे हैं, यह विज्ञान, ये लास्ट बुक है आपकी कक्षा 8वीं की। इसके बाद हम लोग कक्षा 9वीं की बुक्स में बात करेंगे, कक्षा 9वीं की बुकों के बारे में बात करेंगे। याद रखिए, आपकी जो भी बुक्स होती हैं उनके चैप्टर वाइज चैप्टर हम लोग खत्म कर रहे हैं, वे सभी एनसीईआरटी पूर्ण कवरेज के नाम से जो प्ले लिस्ट सूची बनी हुई है उसी में चले रहते हैं आपके सभी लेक्चर। ठीक है, तो चलते हम लोग इसमें देखते हैं कि आखिर पढ़ना क्या है विज्ञान। कक्षा 8वीं की विज्ञान, इसमें हमें विषय सूची देख लेते हैं आखिर पढ़ना क्या क्या है एनसीईआरटी की कक्षा 8 की साइंस है। ठीक है, तो याद रखिए इसे एक कहानी, जो भी बुक्स हैं आपकी इन्हें एक कहानी का रूप देकर पढ़िए। ठीक, आपको बेहतर समझ में आएगा। और आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि जब सरल शब्दों में किताबें हों या सरल शब्द हों तो हमारा पढ़ाई से मन ऊबने लगता है। तो आपको बड़े धैर्य रखकर पढ़ना है और पढ़कर निकल जाना है, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, जो आपको जरूरी है वो 100% क्लियर हो जाएंगे अगर आप लोग बड़े धैर्य के साथ और मन लगाकर पढ़ते हैं। तो पहले हम लोग इसके विषय सूची में देख लेते हैं विज्ञान की विषय सूची। तो इसमें पढ़ेंगे हम लोग, पहला अध्याय होगा आपका फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। दूसरे अध्याय में बात करेंगे हम लोग सूक्ष्म जीव, मित्र एवं शत्रु। तीसरा अध्याय होगा हमारा संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक। अध्याय 4 में हम लोग बात करेंगे पदार्थ, धातु और अधातु के बारे में। अध्याय 5 में बात करेंगे कोयला और पेट्रोलियम। अध्याय 6वें में बात करेंगे दहन और ज्वाला। अध्याय 7 में बात करेंगे पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण। अध्याय 8 में बात करेंगे हम लोग कोशिका संरचना एवं विकार। अध्याय 9 में बात करेंगे जंतुओं में जनन। अध्याय 10 में बात करेंगे किशोरावस्था की ओर। अध्याय 11 में बात करेंगे बल तथा दाब के बारे में। अध्याय 12 में देखेंगे घर्षण। अध्याय 13 में ध्वनि के बारे में जानेंगे। अध्याय 14 में विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव के बारे में जानेंगे। अध्याय 15 में कुछ प्राकृतिक परिघटनाओं के बारे में जानेंगे। अध्याय 16 में हम लोग प्रकाश के बारे में जानेंगे। अध्याय 17 में तारे एवं सौर परिवार के बारे में जानेंगे। और अध्याय 18 में वायु और जल का
दूषण देख लेंगे। कुछ परिभाषित शब्दावली होगी विज्ञान से संबंधित, उन्हें भी हम लोग देख लेंगे। तो ये आपके 18 चैप्टर होंगे, कितने? 18, ठीक है। तो इन्हें हम लोग क्रम बाई क्रम देखेंगे। यहाँ आपके लिए मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं, इन्हें भी, भारत का संविधान भाग 4 में नागरिकों के मूल कर्तव्य। याद रखिए, अगर मूल कर्तव्य और मूल अधिकार अगर व्यक्ति पढ़ लेता है तो आधी समस्याओं का समाधान हो जाएगा उसकी। लेकिन हम क्या करते हैं, कहीं मूल कर्तव्य पढ़ते हैं तो मूल अधिकार छोड़ देते हैं, मूल अधिकार पढ़ते हैं तो मूल कर्तव्य छोड़ देते हैं। अगर इन दोनों को समझ में आ गया, इन दोनों के बारे में आप जान गए, तो आप एक मानव कहलाने लायक होंगे, जो हमारे भारत देश का अच्छा मानव होता है। अनुच्छेद 51 का मूल कर्तव्य, भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा। कर्तव्य का मतलब इस तरह से ले लीजिए, जैसे आपके माँ बाप ने आपको 18 साल तक सेवा की, 14-15 साल जब तक सेवा की। अब आपका कर्तव्य कब बनता है? आपका भी तो कर्तव्य बनता है कि जब बुढ़ापा आए तो उनकी सेवा करें। या माँ बाप का मतलब ये मत लीजिए कि जिसने तुम्हें जन्म दे दिया उसी ने। देखो, इस टाइम में हकीकत शायद किसी को बुरा लगे कई लोगों को, लेकिन हकीकत यही है कि जन्म देना कोई बड़ी बात नहीं, हकीकत है पालन पोषण करना। समझ रहे हैं कि उन्हें अच्छी शिक्षा देना, अच्छी जिंदगी देना, क्योंकि आप भी देख रहे हैं कि गांव में 10-10 बच्चे पैदा कर देते हैं, जो नहीं देते हैं शिक्षा, वो उसी गरीबी में घुट घुट कर मर जाते हैं। तो आपके लिए भगवान से बढ़कर वो इंसान है जो आपकी जिंदगी बदले और आपकी पढ़ाई लिखाई जो भी है आपको नई ऊंचाइयां दे, ठीक। उससे बड़े बड़ा आपके लिए कोई नहीं हो सकता है। फिर चाहे उसे उससे आपका खून का रिश्ता हो या ना हो, मेरा मानना, देखिए भाई, अब आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, क्योंकि जन्म देना बहुत नॉर्मल बात है, लेकिन पालन पोषण करना बहुत बड़ी बात हो जाती है, ठीक। क्योंकि जन्म तो हर कोई दे देता है, देखते तो हो आप लोग, इतना तो समझदार हैं आप लोग, जान सकते हैं। मूल कर्तव्य की बात करें तो संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान का आदर करें। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में सजोए रखें और उनका पालन करें। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें, उसे अक्षुण्ण बनाए रखें। देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें और धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभावों से परे हों। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हों। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें, उनका परिरक्षण करें। प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, इनकी रक्षा करें और उसका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानववाद और ज्ञानार्पण तथा सुधार की भावना का विकास करें। आगे है आपका, सार्वजनिक संपत्ति की को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू सके। यदि माता पिता या संरक्षक हैं, 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले अपने यथास्थिति बालक या प्रतिपाल को शिक्षा के अवसर प्रदान करें। तो याद रखें, ये मूल कर्तव्य आपके कब जुड़ेगा, 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा, और ये आपका लास्ट जो कर्तव्य है ये आप जो कब जोड़ा गया था, 2002 में 86वें संविधान संशोधन द्वारा, 11।
11वां, ठीक। अगर कभी आपका मेंस राइटिंग में या आंसर राइटिंग के लिए लिखने के लिए आ जाता है, तो अगर आपको 11 मूल कर्तव्य याद हैं तो ही आप लोग क्रम डालें। अगर आपको याद नहीं है तो आप क्रम भूल कर भी ना लिखें, ठीक है, उन्हें टेस्ट लगाकर लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आपको क्लियर याद है तो आप लोग उसे क्रम डालकर लिख सकते हैं। तो चलिए आगे से हम लोग कक्षा 8वीं का विज्ञान का पहला अध्याय हम लोग के बारे में बात करेंगे।